लेकिन वो अब कुछ कदम चल सकती है और डियाना के पास अपने पैरों पर चल कर जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया है। मेरे पास एक अच्छी जॉब है और मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी एक बच्ची भी है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। ये वही टेबलेट्स है जिसे डियाना उसे खिलाया करती थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई। क्लोए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसे मुंह खोलने के लिए कहती है। दरअसल क्लोए उसे वो टेबलेट्स इसलिए खिलाती है क्योंकि वो हमेशा पैरालाइज होकर यहीं पर रह सके। और यहाँ से क्लोए अपनी जिंदगी में वापस चली जाती है जहाँ पर उसके पास सब कुछ है। और इसके साथ ही यह कहानी खत्म होती है।